जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आज के खुश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं 28 अक्टूबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। तो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में दिखेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल भारत में दृश्य होगा। और शनिवार को अश्विन पूर्णिमा, शनिवार को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। खंड ग्रास के रूप में दृष्टिगोचर होने वाला ये ग्रहण 28 अक्टूबर को अर्धरात्रि के बाद रात को 1:05 से लेकर शुरू होगा और 3:23 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक काल कितने बजे शुरू होगा? 4:05 पर। और सूतक काल में आपके जो भी तरल पदार्थ हैं, दूध है, घी है, और जो भी साग सब्जी है, उनमें तुलसी या फिर कुशा जरूर डाल के रख लीजिए ग्रहण शुरू होने से पहले, ताकि आपके खाद्य पदार्थ ग्रहण युक्त ना हो और वो खाने योग्य रहें। ठीक है, तो ग्रहण काल में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? देखिए, ग्रहण काल में दीपक नहीं चलते, मंदिर के कपाट नहीं खुलते, पूजा पाठ नहीं होते, केवल मानसिक पूजा होती है, मानसिक जाप होते हैं, मानसिक साधना होती है। तो ग्रहण काल की बहुत ही बड़ी ये विशेषता है कि ये जब लगता है, उस समय आप जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहें उस मंत्र को आप ले लीजिए, और उस मंत्र का जब तक ग्रहण काल चल रहा है उस समय अवधि में आप उस मंत्र का जाप करते रहें, तो बहुत ही जल्दी वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ज्यादातर तांत्रिक हो या गृहस्थी हो, जब भी कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई साधना करनी हो, तो ग्रहण काल का समय ही चुना जाता है। ज्यादा आपको जानकारी ना हो तो ग्रहण काल में अपने गुरुदेव से प्राप्त मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, अपने इष्ट देवी देवताओं का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शाबर मंत्र, इसमें आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र कर सकते हैं, जिनको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उन मंत्रों को डेली रूटीन में आप जो मंत्र आदि करते हैं, जो पूजा आदि करते हैं, वो आप कर सकते हैं। देखिए, पुस्तक लेकर हाथ में आप पढ़ सकते हैं, माला लेकर हाथ में आप जाप कर सकते हैं, और इसके अलावा रजस्वला स्त्रियां जो हैं वो भी मानसिक जाप कर सकती हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। हाथ में माला लेकर ना करें, मानसिक जाप मुंह से बोलकर जाप कर सकती हैं। इस समय गर्भवती गृहिणियों को खास ध्यान देना चाहिए, नारियल एक लेकर ग्रहण काल के समय में नारियल को अपने पेट के ऊपर बांध करके सीधे लेट जाएं और अपने इष्ट देवी देवताओं का मंत्र जाप, जिनको वो मानती हैं, उनका जाप करती रहें, और जब ग्रहण उतर जाए उस समय ग्रहण उतरने पर नारियल को उतारें और उसे जल प्रवाह करवा दें। ये कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु पर जो अभी जन्मा ही नहीं है, गर्भ में है, उसके ऊपर ग्रहण की जो छाया है, ग्रहण की किरणें हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। उनसे प्रोटेक्शन के लिए ही ये उपाय बताया जाता है, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। ठीक है, माँ और बच्चा दोनों के स्वस्थ रहने के लिए ही इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। रही बात व्रत आदि की, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत पर्व से संबंधित अनुष्ठान सूर्य या चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल उपाक्रम को छोड़कर बाकी किसी भी व्रत पर ग्रहण के सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सत्यनारायण व्रत, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, होलिका दहन के साथ साथ अमावस्या का स्नान दान, वट सावित्री व्रत, दीपावली, घट स्थापना आदि के संबंधित सभी कार्य ग्रहण के सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में इस संबंध में केवल इतना ही कहा गया है कि व्रत हो, पर्व हो, कोई भी पूजा अनुष्ठान के समय यदि ग्रहण लगा हुआ हो, तो ग्रहण भेद हो तो स्नान करके पूजा करनी चाहिए और पकवान आदि वहां प्रयोग ना किया जाए। केवल स्नान करने के बाद पूजा कर लें, धूप दीप आदि ना करें, सूखा आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रहण के दिन पड़ने वाले व्रत का पारण सूतक और ग्रहण अवधि में नहीं किया जाता, ग्रहण समाप्त होने पर ही पारण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण यदि अर्धरात्रि के बाद समाप्त हो तो दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद स्नान करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। यदि
चंद्रमा ग्रहस्थास्थ हुआ है तो पुनः चंद्रोदय होने पर पुनः चंद्रोदय होने के बाद ही अन्न ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है शास्त्रों में। जहाँ तक सूर्य ग्रहण का प्रश्न है तो ग्रहण के उपरांत ही व्रत का पारण किया जाता है। यदि पारण वाले दिन सूर्य ग्रहस्थास्थ हुआ है तो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके सूर्य के दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है। इन सबके अलावा जैसा कि बताया भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा तो सभी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके बच्चे, वृद्ध और किसी को भी ग्रहण की छाया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, इनकी किरणें इतनी तेज होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं, जो हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता और किसी न किसी शरीर कोई ना कोई और शरीर को कोई ना कोई रोग हो जाता है। इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की मनाही की जाती है। वृद्धों को, जो खास करके बीमार हैं, छोटे बच्चों को बाहर जाने से खास इनकार किया जाता है, मना किया जाता है, हिदायत दी जाती है कि इन्हें बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मेडिसिन आदि ले रहे हैं, जिनको 2-3 घंटे तक कुछ भी दवाई लेनी ही पड़े, चाहे कैसे भी। इसके अलावा बच्चे हों या वृद्ध हों, नियम तो यही कहता है कि ग्रहण काल में कुछ भी सेवन न किया जाए, लेकिन विवशता में, मजबूरी में, बीमारी में दवाई आदि या खाना, जल आदि का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि जीवन किसी भी कारण से संकट में आए, कोई भी धर्म शास्त्र ऐसा नहीं कहता, कोई भी ऐसा नियम नहीं बना है। तो बीमार हो, बच्चे हो या गर्भवती स्त्री हो जिसे 3 घंटे तक भूखे नहीं रहना, तो वे तुलसी डाल करके जल को ग्रहण कर सकती हैं, अन्न को ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन इतना बचाव रखें कि चंद्र हो या सूर्य हो ग्रहण काल में बाहर ना निकले। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र चैंटिंग कीजिए और साधना करें, क्योंकि यही मंत्र साधना, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ तो आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सही सटीक जानकारी सभी तक पहुँच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र, जय शिव शिवा, जय मेरे भोलेनाथ, जय गुरुदेव।